देखो गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि कलर किया हुआ है, ठीक है। कलर करने के बाद उसके बाद इसका 8 ग्राम का पैकिंग हमें बनाना है। देखिए इस तरह से, अभी मैंने आपको पैकेट बताया था, देखिए ये 6 ग्राम हुआ, ठीक है, ये 7 ग्राम, ये 8 ग्राम, ठीक है, ये 8 ग्राम परफेक्ट हो गया। उसके बाद हमें इस तरह विक्स लेनी है, इस तरह पॉलीथिन करनी है और इसके अंदर इस तरह कर देना है। अच्छा फिनिशिंग दिखना चाहिए हमारे काम, इसमें हमारे काम में हमें फिनिशिंग दिखना चाहिए कि कंपनी इससे सबसे ज्यादा इसमें कंपनी को और आपको फायदा होगा। आप आपका मार्केट में भी आप इस तरह से पैकिंग किया कर सेल कर सकते हो। उसके बाद कंपनी आपको सीलिंग मशीन देती है, वो सील कर देना है आपको, ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से सील कर देना है, ठीक है। स्केल मशीन सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है, देखिए इस तरह से सील करके इस तरह कर देना। देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर है, ये येल्लो है, ये पिंक है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है। देखिए इस तरह से 8 ग्राम के पैकिंग होंगे। 8 ग्राम के पैकिंग के बाद हमें यहाँ से एक दूरी ले या स्टेपलर वगैरह लेकर हमें 12-12 के 25 कर देना है। 1 केजी के अंदर 125, 1 केजी के अंदर 125 पैकेट रेडी हो गए, ठीक है। क्योंकि हमें एक 12-12 के पैकेट कर डाल देना है। देखिए मैं आपको एक और बताती हूँ, कुछ इस तरह से कर और फिर इसके बाद इस तरह से कर इस तरह से करना है। इतना फिनिशिंग से हमें काम करना है कि हमारा कोई पैकेट देखते ही हमें अच्छा दे, कंपनी आपका आपका माल दिखती है, कंपनी आप गुड फिनिशिंग में काम करते हो तो कंपनी आपका माल देख कर आपको आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें काम करना है। देखिए आप इस तरह कलर कर रहे हेलो गाइस, आपको पता है कि हमारी कंपनी कलर किया हुआ माल लेती है और पैकिंग किया हुआ माल लेती है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कलर कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे 3 डब्बे ले लेना है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा 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 पानी डाल देना है इस तरह से तीनों में, ठीक है। देखिए ये है फूड कलर जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, इसमें से थोड़ा सा कलर इसमें डाल देना है। देखिए ये हमने ऑरेंज कलर डाला, ठीक है, इसे हमने मिक्स कर दिया, थोड़ा लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना है। फिर उसके बाद हमने ये रेड कलर डाला, फिर हमने इसे भी मिक्स कर दिया, ठीक है। ये दोनों मिक्स हो जाने के बाद ये कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद ये एक लिक्विड आता है, इस लिक्विड कंपनी ये भी आपको प्रोवाइड करती है, फिर उसके अंदर आपको ये थोड़ा सा प्लस कर देना है, देखिए उसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है पानी में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग में कैसे कलर करना है। ये हमने विक्स ली है, ठीक है, एक साथ लोगे तो सारी चिपक जाएगी, इसलिए हमें दो दो कर लेनी है। देखिए इस तरह से पहले सबसे पहले हमारी जो विक्स है वो गीली निकलती है, ठीक है, उसे सूखने देना है कुछ इस तरह से। सूखने के बाद वो इतनी हार्ड और इतनी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये 3 इंच की परफेक्ट विक्स है जो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। उसे फिर इस तरह लेना है और ये बीच में पकड़ना है इसे और इस तरह से 2 साइड कलर करना है, ठीक है, ये 1 साइड हो गया, ठीक है। फिर ये 2nd टाइम कलर करना है कुछ इस तरह से, देखिए बस
देखिए गाइस ये कलर हो गया, ठीक है, ये लॉन्ग में हमारे दो कलर हो गए, इस तरह से दो कलर आपको करना है। उसके बाद हमें इस तरह से विक्स विक्स जो है, ठीक है, ये पानी में डालोगे तो ये लूज हो जाएगी। पहले हम लिक्विड डाल के कड़क करते हैं, फिर पानी में इस तरह कलर करते हैं तो लूज हो जाती है, ठीक है। तो इसे हार्ड करना है हमें, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हार्ड हो जाएगी। देखिए आपको इस तरह लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड हार्ड हो जाएगा। उसके बाद दोनों ऐसे रखकर ऐसे हमें सूखने देना है। देखिए गाइस, ठीक है, ये इस तरह से लॉन्ग वाली कलर होती है। देखो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि कलर की प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। उस कलर होने के बाद, देखिए कलर सूखने के बाद आपकी विक्स ऐसी हो जाएगी। फिर उसे उस तरह से लेना है और ये स्कैन मशीन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसमें आपको इस पे इस तरह से रख देना है। देखिए ये 6 ग्राम, ये 10 ग्राम हो गया, ठीक है। हमें यहाँ 8 ग्राम करना है। देखिए ये 8 ग्राम हमारा पैकिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको ये चीज भी प्रोवाइड करती है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से इसको इसके अंदर इस तरह डाल देना है। और उसके बाद इसको इस तरह अंदर रख देना है। 8 ग्राम का पैकिंग करना है हमें, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और विक्स मैंने आपको बताया उस तरह स्टेप बाय करनी है अच्छे से। हमारा फिनिशिंग अच्छा दिखना चाहिए। देखिए ये 8 ग्राम का होगा, सिर्फ विक्स 8 ग्राम की होनी चाहिए। पूरा पैकेट 20 ग्राम का, एक पैकेट 20 ग्राम का रेडी होता है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद यहाँ से जो दिखता है उसे सील कर देना है। सीलिंग मशीन भी कंपनी आपको देगी। रेडी होने के बाद देखिए ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। अलग अलग तरह से इस तरह से कलर कर इस तरह से पैकिंग करना है। कुछ इस तरह 8 ग्राम का पैकिंग करना है। देखिए ये अलग अलग कलर है, ठीक है। ये सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारा पैकिंग करना है। पैकिंग करने के बाद हमें 12-12 की बंचेस करने हैं। 8 ग्राम हो जाता है, उसके बाद हमें 12-12 की बंचेस करने हैं। और यहाँ से हमें स्टेपलर कर देना है, या तो फिर वो फिक्स रबर जैसा आता है ना, ऐसा कुछ अटैच कर देना है। तो 12-12 के बंचेस हो जाएंगे। 1 केजी के अंदर 120-125 रेडी होते हैं पैकेट, ठीक है। तो जिसे आपको भी आसानी होगी और कंपनी को भी आसानी होगी। थैंक यू।